हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे हमें एक्स ऑफ जेड गिवन है, जेड प्लस 0.3, जेड प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 0.5। यहां पे हमें जेड एक्स ऑफ एन जो फाइंड करना है वो सारे आर ओ सी के लिए फाइंड करना है, जितने भी आर ओ सी होंगे सबके लिए एक्स ऑफ एन निकालना है। एग्जाम में कोई एक आएगा लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे इसके पोल क्या होने वाले हैं। पोल निकालने सबको आते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर दो, वहाँ से पोल आ जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करना है हमें, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म में एक स्टेप बढ़ जाता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वहाँ पर जेड से डिवाइड करना होता है दोनों तरफ। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए कि सबसे पहले जेड से ही डिवाइड करना है दोनों तरफ। ठीक, जेड से डिवाइड हो गया तो अब क्या करना, जो भी साइड बनी राइट साइड है उससे क्या करना है हमें, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, जेड प्लस 0.3, जेड जेड प्लस 0.2, जेड प्लस 0.5। तीनों के नीचे लिख लेंगे, लीनियर फंक्शन है, ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 0.2, सी अपॉन जेड प्लस 0.5। फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ठीक है, हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन सीखा उसी मेथड से चलते आना, कोई दूसरा नहीं फॉलो करना। 0.2 जीरो पॉइंट जेड प्लस 0.3 हो जाएगा जेड प्लस 0.5। सॉरी, यहाँ पे ऐसे हम लोग तो ए के साथ कौन से फैक्टर आएंगे जो जेड दूसरे वाले होंगे, 0.2 जेड प्लस 0.5। बी के साथ कौन से आएंगे, बी वाले को छोड़ दो, तो जेड जेड प्लस 0.5। और सी के साथ क्या आएंगे, जेड जेड प्लस 0.2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि एलसीएम वही होने वाला, जेड जेड प्लस 0.2 जेड प्लस 0.5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल होते हैं क्योंकि सेम ही चीज़ लिख रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, जो बचा उसको लिख देते हैं, जेड प्लस 0.3 इक्वल्स टू ए जेड प्लस 0.2 जेड प्लस 0.5 प्लस बी जेड जेड प्लस 0.5 और सी जेड जेड प्लस 0.2। ठीक, यहाँ से अब जेड की ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी की वैल्यू निकालो। और मैं बताया था कि आसान तरीका क्या रखने का, जो भी पोल मिलते हैं हमें उन्हीं पोल को इसमें रख दो एक बार एक एक करके, ताकि हर एक वेरिएबल की वैल्यू एक ही बार में आ जाए। जैसे यहाँ से पोल क्या आएंगे इसके ओरिजिनल फंक्शन के, एक जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव, जेड इक्वल टू माइनस 0.5। तीनों को एक एक करके रखेंगे। तो पहले रखते थे पोर्ट जेड इक्वल टू जीरो, जब जेड इक्वल टू जीरो लगाऊंगा इसमें कितना मिल जाएगा मुझे, 0.3 ए 0 प्लस 0.2 0.2 हो जाएगा, 0.5 भी बचेगा, अगले वाले सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई बाय जीरो होगा, जीरो रख रहे हैं ना यहाँ पे, बी वाला अब जीरो, सी वाला अब जीरो। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0.3 अपॉन 0.2 की मल्टीप्लाई 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.10 आएगा। और इसको डिवाइड कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड करके अगली बार पुट जेड इक्वल्स टू माइनस 0.5, पोल पर रखने पे बहुत फायदा होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस 0.5 प्लस 0.3 कितना बचेगा, माइनस 0.2 प्लस 0.3। देखो यहाँ पे ए वाले पार्ट में लगाया तो ए वाला पार्ट गया इस बार, तो बी वाला बच जाएगा इस बार। ये फायदा हो जाता है अगर पोल पे लगा रहे हो तो वैल्यू। सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस 0.5 लगाएंगे
तो बी कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से बचा ये 0.5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये -0.2, और यहाँ से कितना बचेगा ये 0.3। -0.2 की 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 - 0.2 - 0.3 कितना बचेगा 0.1 - 0.06। ठीक, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 6, 10 by 6 मतलब 5/3। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से पुट जेड इक्वल टू, थर्ड वाला रख लो पोल 0.5, तो 0.5 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, अगर 0.5 रखूँगा तो देखो यहाँ पे ए वाला पार्ट 0, बी वाला पार्ट 0, इस बार सी की वैल्यू आ जाएगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ तो कितना मिल जाएगा मुझे, -0.5 + 0.3 c - 0.5 - 0.5 + 0.2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ऊपर बचा ये -0.2, यहाँ पर हो जाएगा ये -0.2, और नीचे प्लस में बन गया 0.15, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में, ये हो जाएगा ऊपर 20, नीचे बचेगा 15। ठीक है, 20/15 यानी आप 5 से काट दो, 5 × 4/3। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई -4/3। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, ऊपर जो फ्रैक्शन था इसमें लगा दो, यहाँ पे ए बी सी की लगाऊंगा ना, और इसे किसके बराबर कर दोगे, XZ/Z के, तो बराबर कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं XZ/Z किसके इक्वल आ गया, ए की वैल्यू आई है 3, नीचे क्या था इसके जेड, बी की वैल्यू आई है -5/3, इसके नीचे क्या था, बी के नीचे को था z + 0.2, सी की वैल्यू आई है -4/3, और इसके नीचे था z + 0.5। अब जो ये z होता है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्या, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाए। तो यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, क्योंकि 3z/z, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, 5/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा z/z + 0.2, 4/3 z/z + 0.5। इतनी सारी चीज़ आ गई, अब सारे पॉसिबल ROCs हैं, उसके लिए हम XOF(n) फाइंड करेंगे। मैंने ट्रिक भी बताई है कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, एक बार क्या करते हैं इसका, जितने भी पोल दे रखे हैं उन सभी को मार्क कर लो, इस पर क्या क्या 0. क्या क्या थे हमारे पोल वहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन में, देखो क्या क्या थे, इसी में देख लो, यहाँ पे एक तो -0.2 है, एक -0.5 है। ठीक है, इस वाले XOF(z) में देख लो, यहाँ पे जितने डिनोमेटर हैं उन्हें 0 के इक्वल पुट कर दो, बस इसको मत पुट कर देना 0 के, यहाँ से करोगे तो जेड भी आ जाएगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन को करना है जो सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है, या फिर जो XOF(z) निकाला पार्शियल फ्रैक्शन में उसके उसके उसको पुट कर दोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, हो सकता है तो हम z = 0 भी ले लेते गलती से। ठीक है, इस बात को नोट बना के लिख लेना कि जो XOF(z) आता है उसके डिनोमीटर्स को इक्वल 0 के पुट करके जो रूट्स आते हैं, पोल्स आते हैं, उन्हीं को पोल्स कहते हैं। तो यहाँ से एक आएगा -0.2, लगभग यहाँ पर आ जाएगा -0.2, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं पोल्स को, इसे z + 0.5 को 0 के इक्वल पुट करो, ये कितना दे देगा मुझे -0.5। इनसे सर्किल ड्रॉ कर दो, सर्किल हमेशा सेंटर्ड होता है यहाँ इसमें ओरिजिन पर। ठीक है, सर्किल को देख लेना, थोड़ा इसमें बनाने में दिक्कत है मुझे, ये आ गए, मैंने बताया था जितने डिस्टिंक्ट अलग अलग पोल होते हैं उससे एक ज़्यादा
आरओसी बनते हैं, यहाँ पे दो पोल है अलग अलग तो तीन आरओसी बनने वाले हैं। देखो कौन कौन से, एक तो 0.5 माइनस जीरो पॉइंट एक एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने एक मिस्टेक कर दी। देखो पोल क्या आया, माइनस 0.2, वो तो यहाँ पर होगा ना, माइनस वाले को माइनस की साइड लगाओ और प्लस वाले को प्लस की साइड लगाओ, ठीक है। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मोड, हमें तो देखना मोड, लेकिन पोल का रिप्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। ये सर्किल बनाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर देख लेना, पेज पे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, देख लेना सर्किल है ये, कोई और स्ट्रक्चर नहीं समझ लेना। एक चीज़ वो करते हैं हम, तीसरा काम क्या करते हैं याद होगा, एक यूनिट सर्किल वाला भी ड्रॉ करते हैं, उससे ही तो पता चलेगा हमें। वन तो बाहर होगा तो वन के लिए भी ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम साथ साथ कॉजेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर भी कमेंट करते हैं, वो सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर होगा वन रेडियस का सर्किल, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये 0.2, इधर 0.5। तो पहला केस क्या, तीन आरओसी बनाने हैं हमें, हमें पता चल चुका पहले ही। तो पहला कौन सा होगा, जो ये जीरो माइनस 0.5 है, इधर क्या होगा ये 0.5, इधर इधर यहाँ पे कितना होगा 0.2। तो पहला केस क्या होगा, जब आरओसी 0.5 से बाहर की तरफ है, आरओसी में कोई भी पोल नहीं आता, हमें ये पता है बात, पहला आरओसी तो ये हो गया, ठीक है, बाहर की तरफ पहला आरओसी आ चुका। जो जो आता जा रहा है उसको यहाँ पे लिखते जाओ, पॉसिबल आरओसी क्या क्या आते जा रहे हैं। पहला आया मोड जेड ग्रेटर देन, क्या मोड लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, यहाँ पे माइनस 0.5 मत ले लेना, क्योंकि माइनस 0.5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0.5, ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट सेकेंड आर ओ सी क्या होगा, उन दोनों के बीच में, बीच वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला आर ओ सी, वो पार्ट होता है जहाँ जिसमें कोई पोल ना आता हो। तो देखो कौन कौन से ऐसे रीजन बन रहे, ये सेकेंड ये बन गया, तो मोड जेड क्या होना चाहिए 0.2 से तो बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 0.5 से छोटा होना चाहिए, और तीसरा आर ओ सी क्या होगा 0.5 के अंदर वाला पार्ट, तो अंदर वाला पार्ट ये, ठीक है, तो हमारा ये आर ओ सी आ गया मोड जेड, एक सेकेंड, मोड जेड लेस देन 0.2। हमेशा तीन आर ओ सी बनी क्योंकि हमारे पास दो ही पोल थे यहाँ पे। अब तीनों के लिए एक्स ऑफ एन लिखना हमें, तो पहला देख के समझ आ रहा होगा 0.5 से बिल्कुल बड़ा, सबसे बड़े पोल से बाहर की तरफ है आर ओ सी, तो प्रॉपर्टी पता है हमें, सबसे बड़े वाले पोल के बाहर की तरफ होता है आर ओ सी, तो सिस्टम होता है कोजल। तो हमने ग्रेटर देन देख के भी बता सकते हैं हम ये चीज़, तो अगर हमें प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, अगर ग्रेटर देन का साइन होता है तो वो क्या बताता है, कोजल, क्या बताता है ग्रेटर देन का साइन, कोजल। तो पहले कोजल के लिए लिख देते हैं इसका एक्स ऑफ एन, क्या यह स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, क्या ये देखने के लिए हम पता लगाते हैं कि जो वन रेडियस का सर्किल है वो आर ओ सी में आ रहा है या नहीं। तो ये 0.5 है, उससे बाहर का रीजन देखो, वन वाला सर्किल जो उसको हिट कर रहा है बिल्कुल उसी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये स्टेबल, ये कोजल और स्टेबल है, इसके लिए एक्स ऑफ एन लिख दो जल्दी से, बस सॉरी पहले यहाँ पर लिख दो नहीं तो मिक्स हो जाएगा, कौन सा केस लिख रहे हो, व्हेन मोड जेड क्या है 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा मतलब 3 का मतलब कांस्टेंट का तो होता है, कांस्टेंट का तो सबको ही पता है क्योंकि डेल्टा एन का 1 होता है, तो यानी ये 1 डेल्टा एन का रहा होगा, एक्स ऑफ एन कितना आ जाएगा 3 डेल्टा एन माइनस 5/3 z/z+ 0.52। कोजल के लिए फॉर्मूला होता है भैया a की पावर n यू एन का z ट्रांसफॉर्म कितना होता है z/z-a मोड z
वन से, सॉरी मोड जेड क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या हमारा प्लस आ रहा है, वहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है जेड माइनस है, यहाँ पे आ रहा है प्लस, इसका मतलब ए की वैल्यू माइनस 0.5 रही होगी। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मुझे माइनस में लिखना, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, प्लस माइनस को इस टाइप से लिख सकता हूँ, इसको जेड को जेड प्लस 0.2 को मैं जेड माइनस, अब ए बन गया, ए की जगह कितना आ गया माइनस 0.2, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसी चीज़ को, ए की जगह कितना है इस बार माइनस 0.2 की पावर एन यू ऑफ एन। नेक्स्ट वाले के लिए लिख दो प्लस है, तो प्लस वाले के लिए क्या हो जाएगा फिर ऐसे ही, माइनस 4/3 माइनस 0.5 की पावर एन यू है। ठीक, सेकंड केस, व्हेन मोड जेड क्या है 0.2 से बड़ा और 0.5 से छोटा। जब मोड जो ग्रेटर देन का साइन है जेड की तरफ है तो कोजल, अगर उसके लेस देन का साइन है जेड की तरफ से तो एंटी कोजल। तो यही चीज यहाँ पे देखोगे तुम, देखो यहाँ पे 2 से बाहर की तरफ, 0.5 से अंदर की तरफ, जो बाहर की तरफ होती चीज उसे बोलते हैं कोजल। तो यहाँ पे देखो ये चीज है बाहर की तरफ, तो ये क्या चीज बता रही है कोजल, और यह है छोटा है मतलब अंदर की तरफ, ये क्या चीज़ बता रहा है साइन एंटी कोजल। अब ये दो तरह के एक साथ आ गए, इसका मतलब सिग्नल कैसा बन गया नॉन कोजल, नॉन कोजल, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ध्यान से देखो 0.2 और 0.5 के बीच में आ रहा है क्या वन सर्किल का, वन रेडियस का सर्किल, नहीं उसके बाहर है भैया, बहुत दूर है, इसके बीच में नहीं है। देखो ग्रीन वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, तो रेड वाला सर्किल बहुत बाहर है, 0.2 और 0.5 के बीच में नहीं है, तो इसके मतलब ये कैसा हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल। बस अब इसके लिए लिख दो, बहुत आसान है लिखना, पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, एक्स ऑफ एन कितना गया 3 डेल्टा एन, और क्या ये 0.2 के लिए तो कोजल है, तो 0.2 के लिए कोजल वाले के लिए कोजल वाला चीज लिख दो, लेकिन इसके लिए एंटी कोजल, एंटी कोजल के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस ए की पावर एन U माइनस एन माइनस वन का Z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कितना होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए ही होता है, लेकिन मोड जेड क्या होना चाहिए ए से छोटा होना चाहिए। यही चीज यहाँ पे बन रही है, मोड जेड क्या 0.5 से छोटा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन माइनस 0.5, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है बाहर ए के बाहर, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है माइनस 4/3 से पहले, तो ये दो माइनस एक साथ आ गए तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 4/3 माइनस 0.5 की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। ठीक, थर्ड वाले के लिए लिख दो, जब वेर मोर जेड लेस देन 0.2, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है 0.5 से छोटा होगा, तो ये सिग्नल कैसा हो गया एंटी कोजल, स्टेबल है कि अनस्टेबल है एक बार देखो, 0.5 से छोटा वाला रीजन, वन वाला सर्किल को तो बहुत दूर है उसके बाहर है एकदम, तो कैसा हो गया ये अनस्टेबल। एंटी कोजल के इस बार दोनों केस में एंटी कोजल बन जाएगा, तो एक्स ऑफ एन क्या आ जाएगा, पहला तो डेल्टा एन में तो कोई चेंज नहीं, ठीक है उसमें तो उसे तो कोई मतलब नहीं कोजल पोजल से। अगर देखो फिर यहाँ पे 3 डेल्टा एन, यहाँ पे ये माइनस 5/3 है, इस बार प्लस का बन जाएगा, ठीक है क्योंकि उसमें माइनस होता है एंटी कोजल के फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा इस बार 5/3 माइनस 0.2 की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। नेक्स्ट एंटी कोजल का दूसरा वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी है हमारे पास, उससे क्या देखना दोबारा से जाके देखो, इतने पॉसिबल आर ओ सी थे उन तीनों के लिए आंसर, कोजेबिलिटी स्टेबिलिटी बता दिए, इसके बाहर कुछ नहीं बचा जो इसमें वो पूछ सकता है, बस यही करना होता है। देखो बहुत आसान है, बस एक बार प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद है तो फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।